Very good morning, dear students. As we are going through the unit third, that is word processing. So, today we will continue this unit and we will study about how we can open MS Word software and how we can create a document and save our document. Okay, so the first is opening MS Word 2010. To open MS Word, click on Start, then All Programs, then Microsoft Office. एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू थाउजेंड टेन सो किसी भी वर्ड एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन देन वी हैव टू गो इन ऑल प्रोग्राम्स आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एट लास्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू थाउजेंड टेन ओके सो दर्ड एप्लीकेशन ओपनस अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद दी टेम्प्ररी नेम ड्यूमेंट वन इट लुक्स लाइक अ शीट ऑफ पेपर एंड इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑन द स्क्रीन द स्मॉल ब्लेंकिंग वर्टिकल लाइन दैट वी नोटिस ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द इंसर्शन पॉइंट और करसर इट इंडिकेट्स द पोजिशन वेयर द नेक्स्ट टाइप करेक्टर विल अपेयर सो हमारा जो वर्ड एप्लीकेशन है एम एस वर्ड वो कैसा उसमें जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं ठीक है किसी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का एक टेम्परे नेम होता है ऑलरेडी दैट इज डॉक्यूमेंट वन ओके और हमारे वो डॉक्यूमेंट इट्स लुक्स लाइक अ शीट ऑफ पेपर वो एक शीट ऑफ पेपर की तरह दिखाई देता है एंड इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑन दी स्क्रीन सो हमारे स्क्रीन में ज्यादा से ज्यादा स्पेस कौन कवर करता है हमारा डॉक्यूमेंट ओके okay? द स्मॉल ब्लैंकिंग वर्टिकल लाइन एक स्मॉल वर्टिकल लाइन ब्लैंक होती है हमारे उस डॉक्यूमेंट में जिसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट या फिर कर्सर ओके okay? और वो कर्सर ये इंडिकेट करता है कि हमें अपना नेक्स्ट करेक्टर टाइप करना है उसके आगे से उसके आगे से हमें कंटिन्यू करना है अपने नेक्स्ट करेक्टर्स को ओके द ओपन एप्लीकेशन ऑफ एमएस वर्थ डिस्प्ले टू विंडोज ऑन द स्क्रीन द लार्जर विंडो इज कॉल द एप्लीकेशन विंडो एंड दर विंडो विच इज इनसाइड देशन विंडो इज कॉल द डॉक्यूमेंट विंडो सो वेन एवर वी आर ओपनिंग अवर एमएस वर्थ सॉफ्टवेयर तो हमारे विंडो में दो विंडोज डिस्प्ले होते हैं तो जो लार्जर विंडो होती है दैट इज नोन एज एप्लीकेशन विंडो एंड स्मॉलर विंडो जो होती है दैट इज इनसाइड दी एप्लीकेशन विंडो हमारी एप्लीकेशन विंडो के इनसाइड होती है उसके अंदर होती है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो ओके सो दे आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो फर्स्ट इज एप्लीकेशन विंडो इज लार्जर विंडो वेयर एज डॉक्यूमेंट विंडो इज स्मॉलर विंडो दैट इज इनसाइड द एप्लीकेशन विंडो एप्लीकेशन विंडो हमारी क्या होती है लार्जर विंडो होती है और हमारी डॉक्यूमेंट विंडो स्मॉलर विंडो होती है जो कि इनसाइड होती है किसके एप्लीकेशन विंडो के क्लियर द सेकंड डिफरेंस इज इट हेल्प्स द यूजर टू कम्युनिकेट विद द एमएस वर्ड प्रोग्राम सो एप्लीकेशन विंडो हेल्प करता है यूजर को कि वो एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके ओके एंड इन डॉक्यूमेंट विंडो इट इज यूज फॉर टाइपिंग एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टैक्स्ट सो डॉक्यूमेंट विंडो यूजर्स को हेल्प करता है कुछ भी टाइप करने के लिए एडिट करने के लिए या फिर फॉर्मेट करने के लिए टैक्स को ओके नाउ द नेक्स्ट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट सो द फर्स्ट टैप इज वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैप एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन द बैक स्टेज व्यू

सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम द एवेलेबल टैंपलेट सेक्शन एंड क्लिक ऑन दी क्रिएट बटन सो जब हमारे पास बैक स्टेज व्यू अपेयर होता है उसमें हमारे पास बहुत सारे टैम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं ओके तो उसमें से हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सलेक्ट करना है और उसके बाद हमें क्रिएट बटन क्लिक करना है ओके और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से नहीं क्रिएट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एन की कॉम्बिनेशन को प्रेस कर सकते हैं ओके बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एन वी कैन आल्सो क्रिएट अवर न्यू डॉक्यूमेंट एट द लास्ट थर्ड स्टेप इज द न्यू डॉक्यूमेंट अपेयर हमारा जो न्यू डॉक्यूमेंट होगा वो अपेयर हो जाएगा क्लियर नाउ हाउ वी कैन सेव अवर डॉक्यूमेंट अब हमने अगर कोई फाइल अपनी डॉक्यूमेंट कुछ क्रिएट करी है तो उसके बाद अगर हमें इसे सेव करना है तो हम कैसे करेंगे फर्स्ट ऐप इज क्लिक ऑन दी फाइल टैप एंड सेलेक्ट दी सेव ऑप्शन हमें क्या करना है फाइल टैप क्लिक करनी है उसके बाद सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ओके okay? अगर हम फाइल टैप के थ्रू सेव नहीं करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है दैट वी वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एस की कॉम्बिनेशन हम कंट्रोल प्लस एस की कॉम्बिनेशन को भी प्रेस कर सकते हैं और इसके थ्रू भी हमारी फाइल सेव हो जाएगी ओके नाउ द सेकेंड स्टेप इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर सो वेन एवर वी प्रेस कंट्रोल प्लस एस देन अ डायलॉग बॉक्स इज विल अपेयर दैट इज सेव एस जब हम कंट्रोल प्लस एस की कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे उसके बाद हमें डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसका नेम होगा as, okay? third, सेव एस ओके स्टेप थर्ड टाइप अ डिजायर नेम फॉर अवर फाइल इन दी फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन दी सेव बटन जब हमारे पास सेव एस डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा उसमें हमें फाइल नेम बॉक्स में फाइल का डिजायर्ड नेम लिखना है ठीक है और फिर उसके बाद सेव बटन में क्लिक कर देना है ऑल राइट नाउ द लास्ट वन इज स्टेप फोर द फाइल विल बी सेव्ड विद द एक्सटेंशन डॉट डी ओ सी एक्स और डॉट डी ओ सी सो वेन एवर यू आर सेविंग अवर फाइल द ऑलवेज बी एक्सटेंशन ऑफ दट फाइल ओके जब भी हम हाँ अपनी फाइल को सेव करेंगे तो वहां पर हमेशा हमारी एक्सटेंशन होनी चाहिए फाइल की दैट इज वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी एक्स और डॉट डी ओ सी ओके ये दोनों ही हमारे वर्ड फाइल के एक्सटेंशन हैं ओके सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द टॉपिक ऑफ दिस यूनिट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू